नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के झांसी का नज़ारा है और झांसी स्टेशन का नाम अब वीरांगना झलकारी बाई रख दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जीआरपी पुलिस प्रशासन के साथ सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक वार्डन पूरा साथ निभाते हुए, और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है इसलिए स्टाफ की कमी होने के कारण प्रशासन ने सहयोग जो लिया है सिविल डिफेंस का, सिविल डिफेंस के जाबाज सिपाही जीआरपी पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर स्टेशन पर आने जाने वालों पर नज़र रखे हुए है, जिससे कोई गतिविधियां ना फैल सकें। जिस व्यक्ति पर संदेह होता है उनको टोक कर सिविल डिफेंस के जाबाज स्वयंसेवक वार्डन जीआरपी पुलिस को सूचना देते हैं और जीआरपी पुलिस प्रशासन सक्रिय होकर उन पर कार्रवाई करने की, जांच करने की तत्पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। झांसी नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवक वार्डन नागरिक सुरक्षा कोर के जो मुखिया हैं श्री मुनेश कुमार गुप्ता जी, उनके आदेश से स्वयंसेवक और वार्डन जीआरपी पुलिस प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। स्टेशन पर भी आप देख सकते हैं रंगाई पुताई चल रही है। इस समय जो प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 का नज़ारा है, ये झांसी का स्टेशन है प्लेटफार्म 1 जैसा कि लिखा हुआ है। साफ सुथरा वीरांगना झलकारी बाई स्टेशन का नाम हो गया है, झांसी स्टेशन के नाम से जाना जाता है। अब मांग चल रही है कि वीरांगना झलकारी बाई के आगे झांसी लगाया जाए। कितना साफ सुंदर स्वच्छ हमारा ये सिविल डिफेंस झांसी के स्वयंसेवक वार्डन हर जगह स्टेशन पर नज़र रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जीआरपी पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सिविल डिफेंस झांसी के स्वयंसेवक वार्डन पूरा सहयोग कर रहे हैं जीआरपी पुलिस प्रशासन का। ये अति सराहनीय कार्य है कि प्रशासन का सहयोग करना, स्टेशन पर हर चप्पे चप्पे पर नज़र रखना, कोई गतिविधियां ना हो सकें क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अहमदाबाद से चलकर बड़ौदा लखनऊ के रास्ते सैनी साहब आ जाओ।